मेरे हाथ में इतना छोटा सा डिवाइस नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज मेरे हाथ में है इतना छोटा सा डिवाइस और बहुत ही खुराफाती, ऑब्वियसली खुराफाती ही होगा क्योंकि यह है एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला सा। साथ साथ में इसके अंदर और भी है बहुत सारे फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इस इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में जिसके अंदर काफी सारे खुराफाती फीचर है और बहुत ही जबरदस्त छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला ये एक डिवाइस है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी की भी वॉइस, कोई भी रूम की वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में। और उसके साथ साथ में जिसकी हर किसी को प्रॉब्लम है वो होता है कि जब भी डिवाइस छोटा हो जाता है तो उसका बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है, लेकिन ये डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो है करीबन आप इसके अंदर 5 से 6 घंटे का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो बने रहिएगा मेरे इस पूरे वीडियो के अंदर, कंप्लीट रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, हर एक फीचर्स को टटोलेंगे और ये भी बताऊंगा कितने का मिलेगा और कहां पर मिलेगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की ये बटन है, वहां पर जाकर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि मैं इस तरह के जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो दोस्तों, ये है हमारे पास में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का बॉक्स जो आता है कुछ इस तरह से। यहां पर हमें मिल जाता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर टोकर ब्रांड की तरफ से आने वाला। यहां पर ये जो रिकॉर्डिंग जो की जो फाइल है वो बनती है वेव फॉर्मेट में, जो कि एक ऑडियो की जो फाइल बनती है उसका टाइप है, जो फॉर्मेट है। इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है लिथियम आयन की बैटरी है इसके अंदर, हाई कैपेसिटी रिचार्जेबल बैटरी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि इसकी जो बैटरी बैकअप है वो लॉन्ग है। और देखें तो बैक साइड पर हमें वन टच रिकॉर्डिंग और हाई क्वालिटी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ मिल जाता है। रिकॉर्डिंग वाया हाई ग्रेड बिल्ट इन माइक्रोफोन, वर्किंग एज ड्राइव फ्री यूएसबी फ्लैश ड्राइव, बिल्ट इन रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी एंड फंक्शंस, मेड इन चाइना, ऑब्वियसली चाइना का है। सो अब इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में हमें मिलता है ये छोटा सा यहाँ पर ये डिवाइस। इसको अब एक बार हम लोग रखते हैं यहाँ पर नीचे और देखते हैं इस बॉक्स में क्या आता है। सो बॉक्स में मिलता है हमें ये एक USB टू ऑक्स का एक हमें यहाँ पर केबल मिल रहा है छोटा सा, और एक मिल रहा है हमें यहाँ पर बेसिक सा एक ईयरफोन, जो नॉर्मली पुराने जो फोन के अंदर आता था वैसा एक बेसिक सा ये कि ये ईयरफोन है। बस इतना ही है इस बॉक्स में, बाकी इस बॉक्स में कुछ नहीं है। बॉक्स को रखते हैं साइड में हम। इसके बाद में हम आते हैं डायरेक्टली इस डिवाइस की तरफ। सो ये है वो छोटा सा प्यारा सा डिवाइस। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ तो बहुत ही छोटा सा है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये देखिए बहुत ही पतला भी है कुछ इस तरह से। सो ये जो डिवाइस है वो आता है 8GB मेमोरी के साथ में, और 8GB मेमोरी मतलब कंपनी का दावा है कि इसके अंदर 96 आवर का आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं उसके अंदर। और हम इधर देखें तो यहाँ पर मिलता है हमें 3.5mm का जैक, और उसके साथ में यहाँ पर एक स्विच है और वो है हमारा ऑन और ऑफ का, और ये हमें पता चलेगा हम जब इसको बैक साइड में करेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ही देखिए ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। अगर दूसरी साइड पे चले तो हमें यहाँ पर मिलती है बीच में एक छोटी सी लाइट, और दो बटन है सिल्वर कलर के, एक प्लस है और एक माइनस है। बाकी इस डिवाइस के अंदर ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है कि और क्या है, बस इतना सा ये छोटा सा डिवाइस। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसको आपको चार्जिंग पे रखना है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो मैक्सिमम एक घंटे से ज़्यादा आप इसको चार्जिंग पे मत रखिएगा, एक घंटे चार्ज करना है, फुल चार्ज हो जाएगा ये। और इसके बाद में आपको अगर किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना है सो आपको करना ये है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ऑन और ऑफ का स्विच है आपको इसको ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। आप जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर की लाइट दिख रही होगी, ये देखिए ये जो रेड कलर की लाइट है वो थोड़ी देर के अंदर ही 3 बार ब्लिंक करेगी और फिर बंद हो जाएगी। और ये जैसे ही बंद हो जाती है मतलब कि इस डिवाइस ने अपना काम शुरू कर दिया है, खुराफाती दिमाग इसका शुरू हो चुका है। अब इस डिवाइस को आप कहीं पे भी रखते हैं ओपन में, देखिए अब इसके अंदर इनबिल्ट माइक है, ठीक है। सो आप अगर किसी की भी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं
तो आपका ये जो डिवाइस है वो ओपन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस डिवाइस को ड्रॉवर के अंदर रख के फिर ड्रॉवर बंद कर दिया, या फिर आपने तकिए के नीचे या पलंग के नीचे डाल दिया तो माइक उसके नीचे हिडन हो जाएगा, तो वहां पर आपको इसकी जो वॉइस क्लियरिटी है वो नहीं मिल पाएगी। आपको इस डिवाइस को ऐसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा जहां पर इसका जो माइक हो वो आपका ओपन में रहे। आप इसको डबल टैप से चिपका सकते हैं, कोई ड्रॉवर के नीचे की साइड में चिपका सकते हैं, बेड के नीचे की साइड में चिपका सकते हैं, ठीक है। और प्लस एक चीज और, जब भी हम इस तरह के ऑडियो डिवाइस का यूज करते हैं तो उस ऑडियो डिवाइस के अंदर आपको एक चीज और बताऊं कि इसके अंदर जो माइक है, अभी फिलहाल जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इस डिवाइस की माइक है, ये जो डिवाइस है इसकी वॉइस है, ठीक है। सो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे रोड के थ्रू नहीं, मैं इस डिवाइस की आवाज़ को आपके सामने बता रहा हूँ। सो ये जो वॉइस है, अब इस डिवाइस तक मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो जाना चाहिए। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डिवाइस मुझसे कितना दूर है, 10 फीट दूर है, 15 फीट दूर है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो भी डिवाइसेस होती हैं वॉइस रिकॉर्डर की, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से वॉइस को खींच के लाती है, समझ रहे हैं। सो आपको ऐसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा। अगर समझ लो कि डिवाइस मेरे बहुत पास में रखी हुई और मैं बहुत ही कानाफूसी वाली बातें कर रहा हूँ जो मुझे बाजू वाले को भी नहीं सुनाई दे, तो ऑब्वियसली ये डिवाइस रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस को यूज़ करिए, नॉर्मली जो बातें होती हैं आप उन बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर आप काफ़ी सारे सॉन्ग्स MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके इसके अंदर सेव रख सकते हैं, और इसको एज MP3 प्लेयर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, डिवाइस स्टोरेज के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं, जितनी भी वॉइस थी। और यहाँ पर अभी जो वॉइस आ रही है अभी आपको, वो मेरे रोड के माइक्रोफोन मतलब कैमरा माइक्रोफोन की, इसकी हमने यहाँ से बंद कर दी है। अब जब आपको इसको सुनना होगा तो आपको क्या करना है कि आपको ये ईयरफोन लेने हैं और आप ईयरफोन लगा लीजिए। आपको ये ईयरफोन कुछ इस तरह से लगा देना है और यहाँ से ये कम्प्लीटली अंदर जाना चाहिए। आप इसका मेक श्योर रहिएगा कि ये एकदम कंप्लीट यहाँ पर चला जाए, एंड देन आफ्टर आपको इसको ऑन करना है यहाँ से, और ऑन करने के बाद में आपको जो माइनस वाला बटन है वो एक बार प्रेस कर देना है, तो आपने जो आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं वो आपको सुनाई देगी। और अगर आप MP3 एज ए यूज़ करना चाहते तो आप इसको इस तरह से लगाइए, ऑन करिए, और ये जो प्लस वाली बटन है आप उसको सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको MP3 की जो इसकी वॉइसेज है वो आपको सुनाई देगी। जब ये ईयरफोन इसके अंदर लगा हुआ होगा तब यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ये जो दोनों प्लस और माइनस वाली जो बटन है वो क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लस वाली बटन, अगर आप इसको एक बार सिंगल बार प्रेस करेंगे इस तरह से कुछ, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी MP3 सॉन्ग है उसका नेक्स्ट अगर कोई होगा सॉन्ग आपने रखा होगा तो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा दबा के रखेंगे प्लस को तो इसका वॉल्यूम प्लस होगा, सेम एज इट इज विद माइनस के साथ में, कि एक बार माइनस का क्लिक करेंगे तो बैक ट्रैक में जाएगा, और इसको दबा के रखेंगे अगर माइनस को तो आपका वॉल्यूम माइनस होगा। इतना फीचर इसके अंदर आता है। और अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की वेट की तो हम इसका वेट कर लेते हैं, यहां पर सिर्फ 8 ग्राम का हमारा ये डिवाइस है, ओनली 8 ग्राम, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना हल्का और कितना छोटा डिवाइस है ये। अब मैं आपको इस डिवाइस को मेरे पास में जो स्पीकर है उसके साथ में कनेक्ट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको, क्योंकि मैं इस तरह से ईयरफोन के थ्रू तो मैं आपको कुछ सुना नहीं पाऊंगा, ठीक है, और आपको एक बार इसकी जो म्यूजिक की जो क्वालिटी है वो मैं आपको सुना देता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू। सो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास में बॉट का ये स्पीकर है, इसके अंदर ऑक्स इनपुट भी है जो ब्लूटूथ भी है प्लस ऑक्स भी है। सो मेरे पास में ये ऑक्स वाला केबल है, मैं इसको ऑक्स के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone. और अब ये भी म्यूजिक आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। है ना शानदार। सो काफी अच्छा यहाँ पर म्यूजिक प्ले हो जाता है सिर्फ इस छोटी सी डिवाइस के थ्रू। सो ये MP3 है, एज वेल एज मैं आपको इसका जो मैंने रिकॉर्ड किया था अभी वो मैं आपको सुना देता हूँ। आपको इस डिवाइस को ऐसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा जहां पर
इसका जो माइक हो वो आपका ओपन में रहे, आप इसको डबल टैप से चिपका सकते हैं, कोई ड्रोवर के नीचे की साइड में चिपका सकते हैं, बेड के नीचे की साइड में चिपका सकते हैं। सो कितना इजी था यहाँ पर, और कोई फंक्शन नहीं है, बहुत ही इजी है इस डिवाइस को यूज करना, और मुझे तो काफी पसंद आया ये छोटा सा डिवाइस। और जब इस डिवाइस के अंदर जो हमने रिकॉर्ड किया है, अगर हमें उस रिकॉर्डिंग की जो फाइल है अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ में ये आया हुआ, ये मतलब जो ये जो केबल है 3RC जिसको बोल सकते हैं, 2RC या 3RC जो पिन है ये 3.5mm की जैक वाली, तो ये एज आपके लिए बैकअप का भी काम करेगी। तो आप इसको यहाँ पर इनपुट करिए और इसको आप लगा दीजिए आपके PC के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, और अगर आपके पास में OTG है तो आप इसके थ्रू आप मोबाइल के अंदर भी इसकी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर आपकी सभी फाइलें होगी। बहुत ही सिंपल सा है इसको, इसकी फाइलें उसको बैकअप निकालने के लिए भी। सो कैसा लगा आपको ये डिवाइस, धमाकेदार है ना, सबसे बढ़िया है ना, सबसे छोटा है, सबसे अच्छा लॉन्ग बैटरी बैकअप है। सो अब आप पूछेंगे कि ये डिवाइस की कॉस्ट क्या है। सो ये जो डिवाइस है वो आपको मिल जाएगा meragadget.com की वेबसाइट पर, वहां पर आप इसको करीबन 2950 रुपए के आसपास इसको जाकर खरीद सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है ये, और इसके अंदर जो मुझे एक खूबी जो सबसे बेटर लगती है आपको, जैसे मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कमाल का डिवाइस है। सो देरी किस बात की, अगर खरीदना चाहते हैं ये छोटा सा डिवाइस तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बोर्ड लाइन नंबर है, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट अगर समझ में आ गया है तो डायरेक्टली जाके परचेस कर लीजिए। और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, बोर्ड लाइन नंबर है, जाके फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए किस तरह का क्या और कैसे आपको मिल जाएगा, कब तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।